हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था वो फ्यूरान के बारे में। आपके पास काफी हद तक बहुत सारी जो आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज और मेथड ऑफ सिंथेसिस है वो डिस्कस कर लिया है। अब हमने जो डिस्कस करना है थायोफिन के बारे में स्टडी करना है, जिसे हम और क्या कहते हैं, थायोल भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं थायोफिन का नाम लिखूं तो आपके पास क्या लिख रहा हूं मैं, अब आपके पास यहाँ पे थायोफिन, और आपको मैंने कह दिया कि थायोफिन को हम और क्या कहते हैं, थायोल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया थायोल, और अगर मुझे इसका फॉर्मूला ही लिखना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, C4H4 और यहां पे क्या लग जाएगा, सल्फर। तो बेसिकली आपके पास जो थायोल होता है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से यहां पे आपके पास सल्फर होता है, यहां पे इनके डबल बॉन्ड, और यहां पे अगर मैं बात करूं नंबरिंग की तो इसकी जो नंबरिंग होती है वो कैसे होती है, दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2, 3 और यहां पे 4 और यहां पे 5। दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन, दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एज यूजुअल हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टडी करते हैं दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ थायोफिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, मतलब अभी तक हम सबसे पहले डिस्कस क्या करते हैं, डायरेक्टली हम डिस्कस करते हैं क्या कि थायोफिन के जो सबसे पहले जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस हैं, ये आपके पास जो भी हम हेटरो जो साइक्लिक कंपाउंड्स थे जिसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट हमने कंपाउंड पढ़े, जैसे कि अब आपके पास हमने पायरोल किया, दैट इज अब आपके पास फ्यूरान किया, तो सबसे पहले उसमें सबमें स्टार्ट किया हमने क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। तो अब हमने देखना है कि क्या कैसे कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं क्या थायोफिन एंड क्या इट्स डेरिवेटिव। तो सबसे पहले करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ थायोफिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये मैं अब आपके पास यहां पे डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे कैसे आप थायोफिन को बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मेथड मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है अब आपके पास फ्रॉम एसिटाइलीन। एसिटाइलीन से हमने बनाना है क्या थायोफिन। सिंपल रिएक्शन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिकली अगर मैं क्या ले लूं, एसिटाइलीन और H2S का मिक्सचर ले लूं, तो जैसे कि एसिटाइलीन यहां पर लिख लिया मैंने CH, ट्रिपल बॉन्ड क्या CH, एसिटाइलीन और किसका H2S का मिक्सचर ले लूं मैं, तो आपके पास हम इस मिक्सचर से किस टेम्परेचर पे, 673 केल्विन पे। तो मैंने कितना टेम्परेचर लिखा, 673 केल्विन पे, और एल्यूमिना के प्रेजेंस में, Al2O3 के प्रेजेंस में हम क्या बना सकते हैं, दैट इज थायोफिन सल्फर, और यहां पे क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड्स प्लस क्या बन जाएगा यहां पे हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन। तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज डाल देता हूँ आपको कि कैसे कैसे आप याद रख सकते हो उसको, जैसे कि CH है, ये ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है CH। कोई मैकेनिज्म नहीं डिस्कस कर रहा मैं आपके पास, मैं सिर्फ समझाने के लिए तरीका बता रहा हूँ एक आपको। तो यहाँ पे H2S की बात करूं तो यहाँ पे सल्फर इस तरीके से है और यहाँ पे इसके हाइड्रोजन है और यहाँ इसके क्या है हाइड्रोजन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां दे दे और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां दे दे, ठीक है, सेम यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दे यहां पे दे दे और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर दे ये, सॉरी आपके पास मैंने थोड़ा सा गलत बनाया है, तो कहां यहां पे दे दिए, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास, एक आएगा इसके पास, एक आएगा इसके पास, एक आएगा इसके पास। तो मीन्स टू से आपके पास यहां पे, चलो इसमें भी बता देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन ये यहां पे ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ये यहां पे ले लेता है, ठीक है, सेम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे ले ले, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले ले, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया, एक इसके पास बच गया, एक इसके पास बच गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, फिर बॉन्ड आ जाएगा किसके बीच में, यहाँ पे बॉन्ड आएगा, ठीक है, यहाँ पे दो बॉन्ड बचेंगे आपके पास, यहाँ इस पोजिशन पे आपके पास दो बॉन्ड बचेंगे, यहाँ पे भी आपके पास टू बॉन्ड बचेंगे, यहाँ पे किसके बीच में, कार्बन और सल्फर के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन और सल्फर के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये जो आपके पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये भी हाइड्रोजन निकल जाएगा और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड। तो इजिली आप समझ सकते हैं फिर यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, दैट इज थायोफिन प्लस क्या हाइड्रोजन।
नेक्स्ट देखते हैं अब आपके पास दैट इज फ्रॉम ब्यूटेन, दूसरा अब आपके पास है फ्रॉम ब्यूटेन। इजी मेथड है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें भी। तो ब्यूटेन से आप कैसे बना सकते हैं वो देख लेते हैं। तो ब्यूटेन मैंने ले लिया क्या, ये CH2, और यहाँ पे क्या ले लिया, CH2 ब्यूटेन है, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या है अब आपके पास, यहाँ पे भी CH3, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अब आपके पास अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, 4 मोल्स ऑफ सल्फर के साथ, तो आपके पास यहाँ पे एट 833 केल्विन, 833 केल्विन पे आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास टेम्परेचर ज्यादा है तो मतलब कि अब आपके पास ये जो रिएक्शन हो रही है ये इन द वेपर फेज हो रही है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपर फेज में रिएक्शन होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, वेपर फेज। तो वेपर फेज में यहाँ पे रिएक्शन होती है और आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाता है, दैट इज थायोफिन, यहाँ पे सल्फर, ये डबल बॉन्ड्स, प्लस क्या बन जाएगा, 3 मोल्स ऑफ H2S। समझने के लिए क्या तरीका है इसको वो देख लेते हैं। देखो अब आपके पास मैंने जो ब्यूटेन है वो कैसे लिखना है वो देख लीजिए। हाइड्रोजन लिखा, यहाँ पे आपके पास CH लिखा, सेकेंड यहाँ पे आपके पास कार्बन लिखा, और कार्बन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन मैंने इसका ऐसे लिख दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सेम यहाँ पे भी किया, कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसके 2 हाइड्रोजन मैंने कुछ इस तरीके से लिखे, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के पास हाइड्रोजन 2 है, तो इस तरीके से मैंने इसके हाइड्रोजन लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ पे निकल गया आपके पास H2S, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे, बॉन्ड आ जाएगा किसके बीच में, यहाँ पे इस यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड, यहाँ पे भी आके सल्फर है, तो कितने मॉलिक्यूल निकल गया आपके पास H2S के, यहाँ पे निकल गए 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे भी आपके पास सल्फर है, तो यहाँ पे भी क्या निकल गया, H2S निकल गया, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या निकल गए, H2S निकल गए। यहाँ पे जो सल्फर है वो इजिली फिर बॉन्ड बना सकता है किसके साथ, इस कार्बन के साथ, कौन से वाले कार्बन, ये जो कार्बन है इसके साथ और इस कार्बन के साथ वो इजिली बॉन्ड बना सकता है, कौन सा, ये वाला सल्फर, ठीक है। तो इसीलिए अब आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर, दैट इज थायोफिन। तो ये था आपके पास क्या, थायोफिन का सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट मेथड की बात करता हूं, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट मेथड की बात करूं आपके पास, तो मेरे पास है 1,4-डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है, उससे हमने बनाना है, ठीक है। तो थर्ड मेथड की बात कर रहा हूं आपके पास, दैट इज फ्रॉम 1,4-डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स, डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो अगर मुझे 1,4-डाइकार्बोनाइल कंपाउंड से बनाना है तो मीन्स टू से मेरे को इसको इस रिएक्शन को बोलूंगा क्या, पाल नॉर सिंथेसिस, पाल नॉर सिंथेसिस, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पाल नॉर सिंथेसिस। इसमें भी हम क्या बना सकते हैं, आपके पास थायोफिन डेरिवेटिव बना सकते हैं, नॉट थायोफिन बट थायोफिन डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आपके पास एक्चुअल में यहाँ पे डाइकिटोन्स लेते हैं, ठीक है, कौन से लेते हैं यहाँ पे हम, डाइकिटोन्स। तो मतलब कि अब आपके पास यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, ये CH3 लिख दिया, ये कार्बन है, यहाँ पे अब आपके पास क्या है CH2, यहाँ भी अब आपके पास क्या है CH2, यहाँ पे कार्बन, कार्बन के साथ क्या है CH3 है, और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी क्या है डबल बॉन्ड O। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड, मतलब P2S3 के प्रेजेंस में हो सकती है, या दूसरा और आपको चाहिए हो सकता है यहाँ पे क्या P2S5, इसके प्रेजेंस में भी आप रिएक्शन को करवा सकते हैं। तो जब मैं इसको हीट करता हूं तो इजिली आपके पास क्या बन जाता है, बेसिकली थायोफिन बन जाता है। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या लग जाता है, सल्फर, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे आपके पास क्या है CH3, यहाँ पे अब आपके पास क्या है CH3 है, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्या बन जाएगा, थायोफिन प्लस क्या निकल जाएगा, यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको बोल सकता हूं मैं क्या, 2,5-डाइमिथाइल थायोफिन, थायोफिन बेसिकली थायोफिन, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूं यहां पे तो किटोइनोल टॉटमेरिज्म के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, फिर उसके बाद आके आप आगे आपके पास इसकी रिएक्शन हो सकती है किसके साथ, फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ। तो नेक्स्ट चलो करते हैं अब आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज।
देखिए, अब मैं डायरेक्टली जो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की बात है, डायरेक्टली उसके बाद किसके ऊपर जाऊंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि ये आपको सिलेबस में ज्यादा बेटर तरीके से मेंशन है, ठीक है, और ये हमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस भी करनी होती है। तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पे डायरेक्टली शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करनी है, तो मैंने क्या लिख दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज लिख दिया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अब आपके पास सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज अब आपके पास इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि अब आपके इस पॉइंट में चलूंगा इसमें। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करता हूं, तो किसकी बात करनी है मैंने, बेसिकली थायोफीन की, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो आपके पास थायोफीन है वो सबसे ज्यादा एरोमेटिक है। मैंने आपको कहा था पहले भी कि थायोफीन जो है वो मोर एरोमेटिक है एज कम्पेयर टू क्या, जो आपके पास फ्यूरान और दैट इज फ्यूरान एंड कौन सा दैट इज पायरोल, ठीक है। तो दोनों से ज्यादा एरोमेटिक है, तो मतलब ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल है तो मतलब लेस रिएक्टिव हो सकता है टूवर्ड्स क्या, इन जो भी आपके पास हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों ना हो, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले यहाँ पे देखनी है, दैट इज नाइट्रेशन। तो पहला अब आपके पास ये है नाइट्रेशन डिस्कस कर रहा हूं मैं, किसकी डिस्कशन कर रहा हूं, नाइट्रेशन की, नाइट्रेशन की डिस्कशन कर रहा हूं फॉर क्या, थायोफीन से मुझे क्या करना है, दैट इज नाइट्रो थायोफीन बनानी है। और आपने याद रखना है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो हमेशा यहाँ पे कौन सी, सेकेंड पोजिशन पे होती है, एंड और या दूसरा, और हम इसको बोले तो और करके अगर बोलूं तो दिस इज अल्फा पोजिशन पे आपके पास होती है, ठीक है। तो नाइट्रेशन में आपके पास क्या करूंगा मैं, डायरेक्टली आपके पास क्या कर सकता हूँ, देखिए ये सल्फर है यहाँ पे इस तरीके से, और नाइट्रेशन में कर रहा हूं, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, बेसिकली यहाँ पे HNO3 ले लेता हूँ, ठीक है। और ये भी नाइट्रिक एसिड जो होता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। और साथ में आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेता हूं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO2 और यहाँ पे ऑक्सीजन। एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐसे लिखते हो आप लोग, अगर आपको नहीं पता तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कार्बन, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या CH3। देखो अब आपके पास ये हो गए डबल, दो हो गए, तो इसलिए दो है यहाँ पे लिखे हुए मैंने, और यहाँ पे अब आपके पास ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड ए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसकी, दैट इज नाइट्रेशन करनी है। तो यहाँ पे आपको पता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड मतलब कंडीशंस अप्लाइड हेयर इज स्ट्रॉन्गर वन, तो आप याद समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हम अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे मतलब इजिली आपके पास पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, दैट इज टू नाइट्रो दैट इज थायोफिन। सेकेंड अगर मुझे डिस्कस करना है तो सेकेंड भी डिस्कस कर सकता हूँ, दैट इज कौन से डिस्कशन कर सकता हूँ आपके पास, दैट इज सल्फोनेशन। तो सेकेंड की डिस्कशन कर लेता हूँ आपके पास, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनिक ग्रुप आपने ऐड करना है, तो सल्फोनिक ग्रुप कैसे ऐड कर सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे सल्फोनिक ग्रुप ऐड करना है तो मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूँ। तो यहाँ पे कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है, तो यहाँ पे आपके पास थायोफिन ले लिया मैंने ये, और यहाँ पे क्या ले लिया, कोल्ड कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ऑयल ऑफ विट्रियल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कॉमनली। और आपके पास यहाँ पे जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है वो लग जाएगा एट पोजीशन टू, क्योंकि अब आपको पता ही है कि मैंने आपको बोला है कि कौन सी पोजीशन पे होगी यहाँ पे सल्फो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सल्फ्यूशन रिएक्शन एट पोजीशन टू होगी, ठीक है। तो अल्फा पोजीशन पे अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज अब आपके पास फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करूं, थर्ड दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है ये भी। अगर मुझे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करनी है तो वंस अगेन मैं क्या लिखूंगा अब आपके पास, थायोफिन लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने थायोफिन लिख दिया, अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करनी है बेसिकली। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो होती है अब आपके पास वो किसके प्रेजेंस में हो सकती है, दैट इज CH3, या आप ऐसा समझ लीजिए एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, किसके प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में। तो
यहां पे आपका CH3 CO ट्वाइस, और यहां पे क्या ऑक्सीजन, और साथ में क्या ले लेता हूं, दैट इज H3PO4। ठीक है, इसके प्रेजेंस में जब मैं इस रिएक्शन को करवाता हूं तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो आपके पास आराम से इजिली बन जाता है। ठीक है, देखिए अब आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखिए CH3 था तो मतलब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया सल्फर, ये आ गया डबल बॉन्ड्स। ठीक है, अब बॉन्ड किसके साथ है, कार्बन के साथ है। ठीक है, किसके साथ है, कार्बन के साथ, तो कार्बन और इसमें अब आपके पास क्या होगा CO CH3, क्या आ जाएगा अब आपके पास यहाँ पे CO CH3। ठीक है, तो 2-एसिटाइल और आपके पास क्या आ जाएगा, थायोफीन। ठीक है, तो ये थी अब आपके पास कौन सी, थर्ड रिएक्शन, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, अब आपके पास मैं अगर फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बाद अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं तो एसाइलेशन में ही आप क्या कर सकते हो, बेंजोइलेशन भी कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, बेंजोइलेशन, बट बेंजोइलेशन अगर मुझे करनी है, ठीक है, क्या डिस्कस करना है मैंने अब, बेंजोइलेशन फोर्थ है ये, तो बेंजोइलेशन, तो ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है एक्चुअल में, आपने बेंजोइल ग्रुप की अब क्या करना है, इनकॉर्पोरेशन करनी है। ठीक है, तो ये जो आपके पास बेंजोइलेशन होती है ये आपके पास किसके प्रेजेंस में होती है, दैट इज आपके पास दैट इज SnCl4 के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, वीक लुईस एसिड के प्रेजेंस में होती है। तो मैंने यहाँ पे अब आपके पास ये ले लिया थायोफीन, ये इस तरीके से, प्लस क्या ले लिया अब आपके पास यहाँ पे, दैट इज क्या लेना पड़ेगा अब, क्योंकि बेंजोइलेशन करनी है तो बेंजोइल ग्रुप भी हमें चाहिए कहीं से, तो मैं क्या ले लेता हूँ, बेंजोइल क्लोराइड ले लेता हूँ, तो C6H5CO Cl ले लिया, और किसके प्रेजेंस में लिया, दैट इज SnCl4, वीक लुईस एसिड के प्रेजेंस में लिया। तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाता है, दैट इज ये सल्फर, और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपके पास, CO C6H5। ठीक है, तो ये आप आपके पास क्या होगी, बेंजोइलेशन होगी। ठीक है, अब आपके मर्क्यूरेशन भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है मर्क्यूरेशन करना, तो मर्क्यूरेशन की बात कर लेता हूं मैं, तो आई थिंक कलर सही नहीं लग रहा होगा आपको, तो फिफ्थ पॉइंट में आपके पास क्या करने वाला हूं, आपके पास डिस्कस, दैट इज मर्क्यूरेशन। ठीक है, तो मर्क्यूरेशन, ये भी कलर आपको नहीं पसंद आएगा, थोड़ा सा और करते हैं इसको मर्क्यूरेशन। ठीक है, तो मर्क्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो मर्क्यूरेशन में क्या होगा आपके पास, अब हमने मरकरी के साथ कार्बन का बॉन्ड बनाना है, बेसिकली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एक बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या ले लेता हूं यहाँ पे, वंस अगेन थायोफीन ले लेता हूं, ये ले लिया, और किसके साथ रिएक्शन करवा देता हूं इसकी, सिंपल दैट इज HgCl2 से इसकी रिएक्शन करवा देता हूं, HgCl2 के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, और बेसिकली रिएक्शन में किसके प्रेजेंस में करवाता हूं, सोडियम एसिटेट, तो CH3COONa के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को मैं करवाता हूं, तो आपके पास क्या बन जाता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बन जाता है एक। ठीक है, जिसमें आपके पास सेकेंड पोजिशन पे क्या होता है, मर्क्यूरी लग जाता है और ये Cl बच जाता है। ठीक है, तो ये अब आपके पास क्या हो गया, मर्क्यूरेशन होगी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ये आपके पास। नेक्स्ट इज क्लोरोमिथाइलेशन, तो नेक्स्ट अब आपके पास है क्लोरोमिथाइलेशन, क्लोरो मिथाइलेशन, ये भी कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है एक्चुअल में, आपने क्या करना होता है, CH2Cl लगाना है, क्लोरोमिथाइल ग्रुप लगाना है। ठीक है, तो कहाँ कैसे लगा सकता हूँ वो देख लेता हूँ मैं आपके पास, तो बेसिकली मैं क्या ले लूंगा, सबसे पहले थायोफिन ले लूंगा। ठीक है, तो थायोफिन मैंने ले लिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवाऊंगा किसके प्रेजेंस में, HCHO। ठीक है, दैट इज बेंजल फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि CH2 यहीं से मिलेगा मुझे। ठीक है, साथ में आपके पास मैंने क्या ले लिया, HCl ले लिया, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, दैट इज क्लोरोमिथाइलेशन, तो आपके पास यहाँ पे क्लोरोमिथाइल ग्रुप कहाँ लग जाता है, सेकेंड पोजिशन पे, तो इस तरीके से सल्फर, और यहाँ पे क्या जाता है, CH2, और यहाँ पे क्या जाता है, Cl। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास क्या, क्लोरो मिथाइलेशन। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, क्लोरो मिथाइलेशन के बाद विल्स मेयर हैक रिएक्शन डिस्कस करूंगा, तो नेक्स्ट इज सेवंथ रिएक्शन, ठीक है, जो मैं आपके पास डिस्कस करने वाला हूँ, तो विल्स मेयर,
विल्स मेयर हैक रिएक्शन, तो विल्स मेयर हैक रिएक्शन की बात करता हूं मैं आपके पास, तो सिंपल है आपके पास क्या कि अब आपके पास मैं कोई एमाइड ले लूंगा, कौन सा सब्स्टिट्यूटेड एमाइड ले लूंगा, ठीक है। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूटेड एमाइड लेता हूं तो मतलब सबसे पहले तो अब आपके पास क्या लिखना पड़ेगा, वंस अगेन थायोफिन लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे अब आपके पास मैं क्या ले लेता हूँ, कोई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड ले लेता हूँ। तो मैंने सब्स्टिट्यूटेड एमाइड ले लिया ये CH3 twice N, और यहाँ पे क्या सी डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ गया H, ये सब्स्टिट्यूटेड एमाइड ले लिया। बेसिकली किसके प्रेजेंस में लिया जाता है, ये PO Cl3 के प्रेजेंस में लिया जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट आपके पास इजिली क्या बन सकता है, सल्फर लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा अब आपके पास CHO। तो यहाँ पे इस ग्रुप इस रिएक्शन का मेन काम क्या है, CHO की इनकॉर्पोरेशन करना। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कौन सी पोजिशन पे, सेकेंड पोजिशन पे क्या लग गया, CHO लग गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखता हूं मैं आपके पास, नेक्स्ट रिएक्शन देखता हूँ। तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है आपके पास, दैट इज हेलोजिनेशन में क्लोरिनेशन डिस्कस करता हूँ, ठीक है। क्लोरिनेशन ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो क्लोरिनेशन डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। तो अगर मैं क्लोरिनेशन डिस्कस करूं तो बेसिकली एक बात याद रखना आपने कि डायरेक्ट में क्लोरिनेशन बहुत कम करवाता हूं, ठीक है। अगर मैं करवाऊंगा तो आपके पास क्या मोर देन वन प्रोडक्ट्स वहां पे बन सकते हैं, तो इट्स बेटर कि मैं थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से क्या करवाऊं, क्लोरिनेशन करवाऊं। तो इसीलिए अब आपके पास हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोरिनेशन जो है वो आपके पास इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, सिंपली SO2Cl2 ले लिया, ताकि आपके पास इनडायरेक्टली मैं इस रिएक्शन को करवा सकूं, और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाता हूँ, दैट इज 243 केल्विन के प्रेजेंस में करवाता हूँ, ठीक है। तो जब मैं 243 केल्विन पे इस रिएक्शन को करवाऊंगा तो आपके पास इजिली यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लोरिनेशन हो जाएगी। तो आपके पास सल्फर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरिन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मुझे डिस्कस करना है यहाँ पे, दैट इज ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन एज सच डायरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ अब आपके पास यहाँ पे डिस्कस करता हूँ इस ब्रोमिनेशन को किसके साथ, दैट इज एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, ब्रोमिनेशन है, तो ब्रोमिनेशन आपके पास मैंने बोला NBS के साथ मुझे करनी है, ठीक है। तो NBS के साथ इस रिएक्शन को करवाता हूँ आपके पास। तो ये आपके पास क्या ले लिया मैंने, सल्फर, और अब आपके पास यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ करवा दी मैंने, NBS, दैट इज NBS क्या होता है आपके पास, इस तरीके से लिखूंगा NBS को मैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अब आपके पास क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अब आपके पास क्या होगा, दैट इज Br। तो इसको बोलूंगा एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ठीक है। क्या बोल दिया मैंने इसको, दैट इज एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये आपके पास, ठीक है। तो जब मैं NBS लेता हूँ, कॉमनली NBS भी लिखते हैं इसको हम डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जब मैं इसको ले लेता हूँ तो आपके पास इजिली यहाँ पे क्या होती है, ब्रोमिनेशन होती है। तो यहाँ पे आपके पास ब्रोमिनेशन होगी, देखिए सल्फर आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे अब आपके पास क्या आ गया, ब्रोमिन आ गया, प्लस क्या निकल जाएगा, सक्सिनिमाइड। तो प्लस क्या निकल गया अब आपके पास, सक्सिनिमाइड। देखिए मैंने बाई प्रोडक्ट्स नहीं लिखे हैं जो पीछे हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पे बाई प्रोडक्ट नहीं लिखे हैं, जानबूझ के नहीं लिखे हैं, ठीक है, कि हाँ भी मतलब बार बार लिखने पड़ेंगे, ठीक है, और जरूरत नहीं है बेसिकली अगर मुझे लगता है कि उसको लिखने की। नेक्स्ट इज आयोडिनेशन। तो आयोडिनेशन कैसे हो सकती है, तो 10th रिएक्शन में बता रहा हूँ इसकी, आयोडिनेशन के लिए आयोडिनेशन इजी है थोड़ा, ठीक है। बेसिकली अब आप डायरेक्ट आयोडिनेशन कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब मैंने क्या ले लिया अब आपके पास यहाँ पे सल्फर, और यहाँ पे अब आपके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, आयोडीन ले लेता हूँ, बट आपके पास क्या, ओह सॉरी, आयोडीन ले रहा हूँ बेसिकली, और साथ में क्या ले रहा हूँ, मर्क्यूरी ऑक्साइड। तो HgO ले लिया मैंने। तो जब मैं इसकी आयोडिनेशन करता हूँ तो यहाँ पे इजिली आपके पास क्या बन जाता है, 2-iodo derivative बन जाता है। तो आपके पास यहाँ पे आयोडीन लग जाता है एट सेकेंड पोजिशन। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन रिएक्शन को डिस्कस कर सकते हो, कौन सी आपके पास, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए
अब आपके पास कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्यूशन रिएक्शन जो है आपके पास हो रही है किसकी, थायोफिन की। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पूरा नहीं लिख रहा इंपॉर्टेंट में, ठीक है आपने इंपॉर्टेंट पूरा लिखना है। वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, आगे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ थायोफिन। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, ठीक है। तो पहला तो मैं आपके पास हेलोजिनेशन की बात करता हूं। तो हेलोजिनेशन में आपके पास मोनो हेलो डेरिवेटिव जो है बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कुछ एक स्पेशल कंडीशंस आपके पास मतलब आपको बता दी है मैंने, ठीक है। और उन कंडीशंस के प्रेजेंस में आपके पास क्या बनाया है, मैंने मोनो हेलो हेलो डेरिवेटिव्स आपके पास बनाए हैं, ठीक है। बेसिकली पहला पॉइंट, इनएबिलिटी टू मेक मोनो हेलो डेरिवेटिव्स, मोनो हेलो सॉरी डेरिवेटिव्स व्हेन रिएक्शन विद Cl2, ठीक है। तो मोनो हेलो डेरिवेटिव अगर मैं डायरेक्टली किसके हाथ, मैं डायरेक्टली आपके पास डाई हेलोजन की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, डाई हेलोजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं केस ले रहा हूँ Cl2 का, तो इसलिए मैं यहाँ पे डाई हेलोजन जो होते हैं उसकी जगह मैंने डायरेक्टली Cl2 लिख दिया, ठीक है। तो इसको मैंने समझाने के लिए ये ले लिया सल्फर, और यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है। अब इसकी मैं क्या कर देता हूँ, क्लोरीनेशन कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं अगर क्लोरीनेशन करता हूं तो 243 केल्विन नेसेसरी कंडीशन है, इस पे आपके पास यहाँ पे ये हेलोजिनेशन क्लोरीनेशन हो जाती है। तो आपके पास यहाँ पे टू प्रोडक्ट्स बनते हैं, बेसिकली सल्फर तो होता ही है, पर सल्फर में आपके पास यहाँ पे क्लोरीन तो होता है, साथ में आपके पास दूसरा फिफ्थ पोजिशन पे भी आपके पास क्या होता है, क्लोरीन लग जाता है। तो आपको मैंने बोला कि क्या मोर देन वन प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन सकते हैं, तो जैसे कि आपके पास मोर देन वन प्रोडक्ट बने तो मोनो हेलो डेरिवेटिव तो बना, लेकिन डाई हेलो डेरिवेटिव भी आपके पास बना। सेम थिंग आप इसके हाथ भी डिस्कस कर सकते हैं, किसके हाथ, ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन में भी आपके पास ऐसा हो सकता है। तो आपके पास वहां पे मोनो हेलो डेरिवेटिव बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो बेंजीन वहां पे आपके पास क्या डायरेक्टली डाई हेलो डेरिवेटिव प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब आपके पास यहाँ पे सल्फर और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, और यहाँ भी क्या लग जाएगा आपके पास, ब्रोमीन। तो इस तरीके से यहाँ पे मुश्किल होती है हमें बनाने में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। सेकेंड, अगर मुझे इसी इसी में डिस्कस करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो बेसिकली अब आपके पास मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड्स यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर सकता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो मतलब इजिली मैं उन रिएक्शन को अब करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास मैंने जो लास्ट अभी आपके पास रिएक्शन नंबर वन जो आपके पास डिस्कस करी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वहां पे आपके पास फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड यूज किया है, और कौन सा, कोल्ड कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स मैंने यहाँ पे डिस्कस की, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, समझने के लिए कि यहाँ पे क्या डिफरेंसेस रह सकते हैं किसके साथ, जो आपके फ्यूरान और पायरोल की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उनके साथ, ठीक है। अब चलिए ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट हो गया था, अब मैं सेकेंड पॉइंट की बात करता हूँ। तो सेकेंड पॉइंट चलते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, अब सेकेंड पॉइंट की डिस्कशन करनी है मुझे। तो सेकेंड पॉइंट की डिस्कशन के लिए मैं क्या करता हूँ, रिएक्शन विद, यहां ऐसे लिखना था आपने तो यहीं जैसे लिखना, तो रिएक्शन विद क्या, दैट इज एन ब्यूटाइल लिथियम, एन ब्यूटाइल लिथियम, इसके साथ इसकी रिएक्शन कैसे हो सकती है, ठीक है। सिंपल है ये, एक्चुअल में आपने फ्यूरान में भी आपके पास डिस्कस किया था, वैसे ही अब आपके पास यहाँ पे भी होगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सल्फर होगा, ठीक है ये है, और यहाँ पे एन ब्यूटाइल लिथियम मतलब CH3, कितने CH2, यहाँ पे क्या CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, आपके पास ड्राई इथर में इस रिएक्शन को हम करवाते हैं, इसमें करवाते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है, ड्राई इथर,
और अब आपके पास जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो यहाँ पे जो लिथियम है वो किसके पास चला जाएगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे चला जाएगा, और इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होगा वो किसके पास आ जाएगा, इस कार्बन के पास आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, आपके पास यहाँ पे कितने हो गए कार्बन, 1 2 3 4, तो C4, और हाइड्रोजन 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 1 1, यहां से आएगा, यहां से इस पोजीशन से, तो आपके पास 9 + 1 10, तो C4 क्या निकल गया, H10, दैट इज ब्यूटेन आपके पास निकल गई, और साथ में आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन गया, लिथियम आपके पास आ गया, कौन सी पोजीशन पे, दैट इज सेकेंड पोजीशन पे। इसकी आप ये कार्बोजाइलेशन करेंगे तो आपको पता है कि COH ग्रुप लग जाएगा कौन से, लिथियम के पास, ठीक है, जहां पे लिथियम लगा है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी कार्बोजाइलेशन करता हूँ, ठीक है, तो CO2 ग्रुप लेना पड़ेगा, CO2 लेना पड़ेगा मुझे, और आपके पास में किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो डाइल्यूट आपके पास क्या है, HCl के प्रेजेंस में, अगर मैं इसको रिएक्शन को करवाता हूँ तो आपके पास कौन सी पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे आपके पास क्या लग जाता है, COOH लग जाता है। ठीक है, तो ये थी आपके पास रिएक्शन विद क्या, एनब्यूटाइल लिथियम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आपके पास दैट इज बर्च रिडक्शन, तो थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, आपको थर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो नेक्स्ट इज बर्च रिडक्शन, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ये भी, सोडियम और अमोनिया के प्रेजेंस में बर्च रिडक्शन होती है, आपको पता ही है अगर आपने अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा, तो हमने यहाँ पे आपके पास सल्फर ले लिया, और यहाँ पे मतलब थायोफिन ले ली, और किसके प्रेजेंस में, सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में। ठीक है, तो लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाता हूँ, NH3 ले लिया मैंने। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ पे सल्फर होता है एक, आपके पास क्या, दैट इज अगर मैं नोटिस करूंगा यहाँ पे नंबरिंग करूंगा तो ये क्या आएगा, 1 2 3 4, और ये क्या आ गया, 5। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड इस पोजीशन पे, और कौन से, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा है, तो इसको लिख सकता हूं मैं क्या, 2 4 5, और सॉरी कॉमा, 2 5 डाईहाइड्रोथायोफीन। साथ में दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, अब आपके पास एक और प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है जहां पे सल्फर यहाँ पे रहता है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे कौन सी पोजीशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5, और अब आपके पास क्या बन गया, मतलब सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे अब आपके पास क्या है, हाइड्रोजन लगे हैं, तो 2 3 डाइहाइड्रो थायोफिन, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म नहीं है अभी आपके पास यहाँ पे, इसके केस में स्पेशली जो हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है उसके केस में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन, तो फोर्थ है पॉइंट रिडक्शन, तो रिडक्शन कौन सी, दैट इज मतलब रिडक्शन मतलब हाइड्रोजिनेशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और हाइड्रोजिनेशन जो है मतलब कैटालिटिक रिडक्शन की बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो कैटालिटिक रिडक्शन मतलब निकल और प्लेटिनम जो होते हैं उनके प्रेजेंस में। ठीक है, तो मैंने यहां पे ले लिया थायोफिन, ये थायोफीन ले लिया, और अब मैं इसकी रिडक्शन करता हूं, तो रिडक्शन कर दी मैंने हाइड्रोजन और रेनी इज निकल, रेनी निकल। अच्छा, रेनी निकल क्या होता है, रेनी निकल कुछ नहीं है, दैट इज एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ निकल है जो कि मोर एक्टिवेटेड रे होती है, और अब आपके पास यहाँ पे जो क्या करती है, बेसिकली बेसिकली अब आपके पास इसको क्या कर देती है, मतलब मोर एक्टिवेट कर देती है कि ये आपके पास आराम से क्या कर दे, रिडक्शन करने में हेल्प कर दे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाता है साथ में, निकल सल्फाइड, तो बेसिकली एक एल्केन बन जाता है, दैट इज ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन प्लस निकल सल्फाइड। दूसरा आपके पास प्लेटिनम के प्रेजेंस में भी इस रिएक्शन को करवाया जा सकता है, तो प्लेटिनम के प्रेजेंस में अगर मैं करवाऊं तो हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या सॉरी पैलेडियम के प्रेजेंस में करवा रहा हूँ, तो एक्सेस एक्सेस पैलेडियम लिया, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपके पास सल्फर और टेट्रा हाइड्रो थायोफिन, यहां पे हाइड्रोजन लग गया, यहां हाइड्रोजन लग गया, यहां हाइड्रोजन लगा, यहां हाइड्रोजन, तो टेट्रा हाइड्रो थायोफिन बन गया। तो चलिए अब आपके पास लास्ट रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके पास थायोफिन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें जो लास्ट रिएक्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज रिएक्शन विथ, अब लास्ट रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन विथ कार्बिन, तो कार्बिन के साथ वैसे ही रिएक्शन होती है जैसे फ्यूरान के साथ हमने डिस्कस की थी। तो अब आपके पास यहाँ पे सेम सल्फर डबल बॉन्ड, और अब आपके पास क्या हो जाएगा, कार्बिन देने के लिए मैंने क्या ले लिया, डाई एजो मिथेन ले लिया, तो
डाइएजोमीथेन क्या दे सकता है, कार्बीन दे सकता है बेसिकली, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे CuBr ले लिया मैंने, और जब मैंने इसको हीट किया तो आपके पास यहाँ पे बाइसाइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पे सल्फर आ जाता है, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में CH2 लग गया ना, ये वाला CH2 लग गया, ठीक है। और साथ में क्या लग गया, N2, ठीक है। तो डाइएजो मिथेन के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। तो बेसिकली डाइएजो मिथेन हेल्प करता है हमें किसके लिए, कार्बिन देने के लिए। तो कार्बिन में अगर इसको ऐसे लिखूं तो यहाँ पे सल्फर है, डबल बॉन्ड इस तरीके से, कार्बिन ये होता है CH2, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसकी मतलब दो बॉन्ड अभी बना सकता है ये, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लें, और इलेक्ट्रॉन कहाँ ले लें, यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन ये है इसके पास, दूसरा यहाँ पे है, ठीक है। तो दोनों ये क्या कर सकते हैं, एक बॉन्ड यहाँ बना लेगा, दूसरा बॉन्ड कहाँ बना लेगा, यहाँ पे इस पोजिशन पे, इस पे, ठीक है। तो इसलिए अब आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके पास दैट इज बाइसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपके पास लास्ट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म एंड ऑरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पे मैंने डिस्कस किया सल्फर, या ये आपके पास ऑक्सोल की बात करूं आपके पास, या फ्यूरान की बात करूं, ये फ्यूरान था, और अगर आपके पास ये था दैट इज पायरोल की बात करूं, तो अगर मैं पायरोल इन सब की बात करूं तो इनमें कौन सी पोजिशन, इस पोजिशन पे आपके पास क्या हुई, इस पोजिशन पे स्पेशली, कौन सी, इस पोजिशन पे, ठीक है। इसमें आप ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो इन पोजीशन पे अब आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। तो ये डिस्कस करने वाला हूं मैं आप नेक्स्ट टाइम, कि आपके पास सेकंड पोजीशन पे आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों होती है, और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा इसमें सबसे ज्यादा फास्टर रिएक्शन शो कर सकता है, दैट इज इन तीनों में सबसे ज्यादा फास्ट कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। इजी रिएक्शंस है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो आपने बता देना है, कमेंट कर देना है, या पूछ लेना है, ठीक है। तो होप सो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो बता देना, ठीक है, कमेंट करके बताएं, चाहे जैसे मर्जी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।